एक प्रश्न है, तुम अंजलि और मुनव्वर, कहीं घर में एक वक्त था जब तुम लोग ने एक दूसरे के प्रति रोमांटिकली फील किया? नहीं, ऐसा तो ऐसा मेरे सच्चे दिल से, ईमानदारी से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अंजलि सच्चे दिल से, स्टडीिंग योर माइंड फर्स्ट एंड देन टॉकिंग, ऑनेस्टली बताओ, मैं रियली जानना चाहता हूं। नहीं, इतना नहीं है। जब लगा रोमांस था समवेयर, हां या एक मोमेंट था आपके लिए, कब था वो मोमेंट? जब फैंस वो क्वेश्चन पूछना था, तब मैंने उसको आई लाइक यू बोला था सबके सामने। डिड यू फील रोमांटिकली टुवर्ड्स हिम और नॉट, बस इतना पूछना। समवेयर, यस, राइट, यस, प्रैक्टिकल सोचता हूँ, मैं बहुत चीजों को सोचता हूँ, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं अंडरस्टैंड भी करता हूँ। इतने दिन से हम एक साथ है और मैंने उसको यही चीज समझाई, मुनव्वर से फील्स देता है लेता नहीं। मैंने उसे भी यही बोला था, इस मोमेंट यहाँ से बाहर जाएगी, यू अंडरस्टैंड, मोमेंट यू फील रोमांटिकली टुवर्ड्स हिम, वो आपने जानबूझ के दबाया? Yes. वो फीलिंग जानबूझ के दबाया आपने? जानबूझ के नहीं, मैं खुद ही थोड़ा लाइक हुआ कि नहीं कुछ नहीं करना मुझे, बिकॉज मैं रियलिटी शो में हूँ और मेरी एक लाइफ है बाहर। नहीं, और बाहर, और प्रिंस जब पंजाब से आए, वो चंडीगढ़ की हवा लेके आए, तो आपको लगता है कि हाँ यार आसमान बहुत खुला है। मुझे ऐसे कॉन्ट्राइव फील नहीं करना चाहिए कि जेल में मुनव्वर इज द ओनली मतलब पर्सन दैट आई कैन फॉल फॉर। तो आपने एक खुले हुए लाइन बोली थी कि एज की, मैम ने जब जजमेंट डे पे मैम ने एक चीज बोली थी, छोटी एज की लड़की होती है वो बहुत जल्दी इन सब चीजों को फील करती है, तो मैंने उस चीज के बारे में सोचा कि मैं अपनी एज की वजह से मैं इसको अपना डिसएडवांटेज ना बनाऊं, मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करूं, और जब सोचते हैं कि हाँ दिमाग नहीं है, ये नहीं है, इट्स ओके, सोचो, अच्छा है, गलत सोचो। मुनव्वर, तुम्हें कभी पता चला, ऑनेस्टली ब्रदर टू ब्रदर, एक सेकंड के लिए, अरे ये रिमोट थोड़ी बताएगा, ऑनेस्टली जवाब दे, नो माइंड गेम्स की तुम्हें लगा, नो माइंड गेम, रोमांटिकली इन्वॉल्वड शी इज, पता चल जाता है, एंड शी इज वेरी स्वीट, तो वो एक्शन में पता चल जाता है, बट शी इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो, कि जब मैंने उससे बात की और मैंने बोला कि देख यहाँ पे इतने दिनों एक साथ रहने पे वो सारी चीजें फील होती है, व्हेन यू गो आउटसाइड, बाहर जब जाएगी यू विल अंडरस्टैंड, कह रहे ये तो खाली ऐसे ही सब था अभी, तो उसने उस चीज को भी समझा, तो आई थिंक ओके ओके, थैंक यू सो मच।